अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ऊना जिला के दौरे की। अनुराग ठाकुर ने आज ऊना के सलोह में स्थित IIIT का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस संस्थान को और विकसित करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे ताकि यहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों का मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी के भी संस्थान प्रबंधन को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे से कालखंड में संस्थान ने बेहतर काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संस्थान में खेल गतिविधियों को लेकर निर्माण कार्य जारी है और जल्द ही इनका लोकार्पण किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT स्लो ऊना में शानदार काम हुआ है। बिल्डिंग्स बनकर तैयार हुई, एकेडमिक ब्लॉक हो, हॉस्टल ब्लॉक हो और बाकी जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उसका निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन खुशी इस बात की कि इस कैंपस का इस्तेमाल एकेडमिक ब्लॉक का हो, हॉस्टल का हो, उसकी शुरुआत भी हुई है और एक बहुत अच्छी सुविधा, लगभग 128 करोड़ रुपये की कुल लागत से यहाँ पर बनकर तैयार हुई और भविष्य इसमें और सुविधाएं जुड़ें और हॉस्टल ब्लॉक जुड़ें। 60 एकड़ के इस कैंपस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 4 साल का बैच सन 2019-20 फिर 21 से कहाँ 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष पैकेज से बढ़ते बढ़ते, अगर इंडिविजुअल पैकेज की बात करें मैक्सिमम तो 47 लाख तक गया, एवरेज की बात करें तो वो भी आज कम से कम 12 लाख रुपए तक आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लगातार इंस्टीट्यूट ने 6 लाख रुपए एवरेज से बढ़कर 12 लाख रुपए मात्र 4 वर्षों में उपलब्धि हासिल की। संस्थान के निदेशक SL कुमार और संस्थान के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने गर्मजोशी से केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया।